विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले सीबीआई ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार रात दिल्ली सरकार के एक आईएएस अधिकारी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफसर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ओएसडी रह चुका है। दूसरा आरोपी धीरज गुप्ता इस मामले में बिचौलिए की भूमिका में था। सीबीआई हेडक्वार्टर में रात को दोनों से लंबी पूछताछ हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अभी घूसकांड के सिसोदिया की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उप मुख्यमंत्री के लिए घूस ले रहा था। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अधिकारी का नाम गोपाल कृष्ण माधव है। वह 2015 में सिसोदिया का ओएसडी नियुक्त हुआ था। फिलहाल जीएसडी कलेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने उसे रंगे हाथ घूस लेते हुए धर दबोचा। तब वह जीएसटी से जुड़ा एक मामला रफा दफा करने के एवज में 2 लाख रुपए ले रहा था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने भ्रष्ट अधिकारी को पकड़कर सही किया है। हम सीबीआई और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो भी रिश्वत लेता है उसे तुरंत पकड़ा जाए, सीबीआई सख्त कार्यवाही करे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि ओएसडी मनीष सिसोदिया के लिए घूस लेता पकड़ा गया। उसने 10 लाख रुपए रिश्वत की पहली किस्त में 2 रुपए लिए थे। आम आदमी बनने का ढोंग करने वाले ये सभी चोर हैं। अब पता चला कि इन्होंने लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान होना है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया था। अब भाजपा, कांग्रेस और आपके प्रत्याशी घर घर जाकर वोटर्स से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को घोषित होंगे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। मुझे पता चला है कि एक ऑफिसर जो आजकल जीएसटी में तैनात है और मेरे यहाँ ओएसडी भी रहे हैं मेरे 5 साल, उनको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये सीबीआई ने ठीक किया है और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल भी बन सकें। और मैंने जब 5 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए थे जहाँ किसी के ऊपर शक होता था या कहीं कोई सूचना मिलती थी, मैं खुद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराता था। तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं अपने यहाँ भी सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ ताकि बाकी के लिए भी नज़ीर बने। सर, कितने दिनों उन्होंने आपके साथ काम किया, कैसा नहीं, कभी आपको ऐसा लगा कि इस तरह का इन्वॉल्वमेंट? मेरे पास 10-12 ओएसडीज होते हैं, उनमें से एक ये थे और उनका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन उस तरह से रहता नहीं है। पर फिर भी मतलब जो भी है, एक सीरियस मैटर है और पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को पकड़वाया जो रिश्वत लेते रहे। मैंने खुद सीबीआई में टैप करके लोगों को पकड़वाया। अगर ऐसी भी होती तो मैं, और मुझे पता चलता, मैं खुद भी इनको पकड़वाता। हमने तो अपने मंत्री को नहीं छोड़ा। टाइमिंग को लेकर कोई ऐसा नहीं? टाइमिंग तो जो भी, जब रिश्वत लेता हो तभी तुरंत पकड़ लेना चाहिए। इसमें टाइमिंग की कोई नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई टाइमिंग हो या इसमें। मैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी है, जीएसटी विभाग में तैनात है, मेरे यहाँ ओएसडी भी रहा है, उसको गिरफ्तार किसी भी वक्त कर ही लेना चाहिए। जब भी सूचना मिले उस पर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।